हम आदरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, महर्षि दयानंद कृत ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के वेदोत्पत्ति विषय के आधार पर जैसे हम प्राण वायु और मुख के अवयव तालु कंठ मूर्धा आदि की सहायता से क ख ग आदि वर्णों का उच्चारण करते हैं, शब्दों को बोलते हैं, वाक्यों को बोलते हैं, तो प्रश्न किया गया है कि परमेश्वर के तो मुख आदि अवयव है नहीं, तो परमेश्वर बिना मुख आदि अवयवों के सृष्टि के प्रारंभ में शब्दमय वेदों को, जो वेद परमेश्वर के ज्ञान में रहते हैं, उनको शब्द के रूप में उत्पन्न करके कैसे ऋषियों के अंतःकरण में प्रेरित करता है। तो इसका कारण बताया है कि परमेश्वर में अनंत सामर्थ्य है और अनंत सामर्थ्य होने के कारण परमेश्वर मुख आदि अवयव और प्राण वायु के बिना शब्द में वेद को उत्पन्न करता है। और इसमें दृष्टांत दिया है मन का। जैसे मन के अंदर मुख आदि अवयव नहीं है, प्राण आदि वायु नहीं है, फिर भी मन के अंदर अनेक शब्दों का व्यवहार होता है, अनेक शब्द उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार से ईश्वर के विषय में भी समझना चाहिए। यदि परमेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में चार वेदों का ज्ञान नहीं देते तो कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता था। जैसे घने जंगलों के अंदर रहने वाले जंगली मनुष्यों की प्रवृत्ति पशुओं के समान होती है, वो किसी प्रकार के मानवीय व्यवहार को नहीं जानते, ऐसी ही प्रवृत्ति विश्व के सभी मनुष्यों की होती। और कोई यदि ऐसा कहे कि ईश्वर को वेद उत्पन्न करने की क्या आवश्यकता है, ऋषियों ने वेद उत्पन्न किए हैं, ऋषियों ने ग्रंथ बनाए हैं, तो इसका समाधान दिया है कि मनुष्य लोग जो ग्रंथ बनाते हैं वो कुछ पढ़कर सुनकर देखकर ज्ञान प्राप्त करके बनाते हैं। यदि परमेश्वर सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान ना देता तो ग्रंथों को बनाने की बात तो बहुत दूर है, सामान्य व्यवहार भी मनुष्य नहीं जानता। और इसमें एक दृष्टांत दिया है कि यदि किसी बालक को, उत्पन्न हुए बालक को एकांत में रखा जाए, उसको कुछ पढ़ाया सुनाया ना जाए, उसके साथ कोई व्यवहार ना किया जाए, केवल उसको यथोचित खाने पीने के लिए दिया जाता रहे जब तक कि उसकी मृत्यु ना हो जाए, वो एकांत में रहेगा, बड़ा होगा, युवा होगा, बूढ़ा होगा, मर जाएगा, बस उसको केवल खाने पीने के लिए दिया जाएगा और कोई भी उसके साथ भाषण आदि व्यवहार नहीं होगा। तो जैसे उस व्यक्ति की प्रवृत्ति पशु के समान होती है,
पशु कोई ग्रंथ की रचना नहीं कर सकता। ऐसे ही परमेश्वर यदि सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान ना देते तो मनुष्य पशुवत होते। इसलिए मनुष्यों ने, ऋषियों ने वेदों को नहीं बनाया, वेदों का जो ज्ञान है वो परमेश्वर ने दिया है, और उन वेदों को पढ़कर ही मनुष्य विद्वान बनते हैं और अनेक दूसरे ग्रंथों की रचना करते हैं।